जी हाँ दोस्तों, आखिरकार जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे मैच में शिखर धवन और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत कर पहले तो मात्र 40 गेंदों में शतक बना डाला और फिर दीपक हुडा ने जिम्बाब्वे की टीम के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली। आखिरकार कैसी रही आज के इस मुकाबले में भारत की बल्लेबाजी, वो सब तो आपको यहाँ पर हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ईशान किशन के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप भी हमें नीचे कमेंट में बताइएगा कि शिखर धवन और ईशान किशन में से कौन है एक अच्छा बल्लेबाज। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच में 3 मैचों की वनडे श्रृंखला अब खेली जाने वाली है और ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम जिम्बाब्वे भी पहुंच चुकी है। हालांकि दोस्तों एक समय पर तो हर किसी को उम्मीदें लग रही थी कि भारतीय टीम जिम्बाब्वे जाकर जरूर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करेगी और ऐसा ही होता हुआ हम सभी को नजर आया। दरअसल दोस्तों मुकाबला 18 तारीख को खेला जाएगा और इस मुकाबले से ठीक पहले आज भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच में पहले वनडे मुकाबले का प्रैक्टिस मैच खेला गया, जिसमें आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने तूफानी रंग दिखाते हुए अपने शतकों को तो पूरा किया ही और साथ में जिम्बाब्वे की टीम के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया कि वो उनके विकेट भी चटका सकें। दरअसल दोस्तों आज हुआ ये कि आज पारी की शुरुआत भारत की तरफ से शिखर धवन और केएल राहुल ने की थी, जहां भारतीय टीम के बल्लेबाजों से उम्मीद तो लग रही थी कि अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर पहला बड़ा झटका केएल राहुल के रूप में भारतीय टीम को लगा था, जो कि मात्र 23 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए थे और अपनी इस पारी में उन्होंने 2 चौके भी लगाए थे। हालांकि दोस्तों केएल राहुल के आउट हो जाने के बाद फिर मैदान पर उतरे ईशान किशन, जहां ईशान किशन और शिखर धवन के बीच में हम सभी को बेहतरीन पारी खेली जाती हुई नजर आई। दरअसल दोस्तों आज ईशान किशन ने मात्र 48 गेंदों में ही अपना शतक पूरा किया और अपने आज के इस मुकाबले में उन्होंने 122 रनों की पारी खेली। तो वहीं दोस्तों ईशान किशन ने 122 रन की पारी में 7 चौके और 8 बड़े छक्के लगाए थे। तो वहीं दोस्तों ईशान किशन की ऐसी पारी देखकर शिखर धवन और दीपक हुडा भी कहीं पीछे रहने वाले थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना भी आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया, जहां इस दौरान दीपक हुडा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों में 102 रनों की पारी खेली और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 4 बड़े छक्के लगाए। तो वहीं दोस्तों दीपक हुडा के अलावा शिखर धवन ने आज के इस मुकाबले में मात्र 66 गेंदों में ही 85 रन जड़ डाले, जैसे कि आप सब यहां पर देख भी सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों शिखर धवन, ईशान किशन और साथ में उनके दीपक हुडा ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का तो दिल जीत ही लिया है और ऐसे में उन्होंने बता दिया है कि आखिरकार जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में किसी भी हालत में हारना नहीं चाहती। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अब देखना ये होगा कि पहला वनडे मुकाबला क्या जिम्बाब्वे की टीम ऐसी मजबूत भारतीय टीम के खिलाफ जीत पाने में कामयाब होती भी है या फिर नहीं। बाकी दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है आज खेले गए प्रैक्टिस मैच के बारे में और आपके अनुसार आप किस बल्लेबाज और गेंदबाज की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर उसको 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।